हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम टू यू ऑल इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स. स्टूडेंट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कर्व का हमने कल स्टडी किया और जो ग्राफ मिला, जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ था, कृष्णिका विकिरण के रेडिएशन का जब एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ लिया गया, तो जो ग्राफ मिला उसका हमने कल क्या किया, स्टडी किया और उसकी हमने कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें थी जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जो एग्ज़ाम के रिलेटिव भी इम्पोर्टेंट है और उनको सीखने के रिलेटिव भी क्या इम्पोर्टेंट है. बिकॉज ये ग्राफ आपको आएगा तो आप वीन का नियम, रेले जिन का नियम और आगे वापस जो प्लांक की क्वांटम अभिधारणा है उससे जो अपन वापस मैक्स प्लांक के अकॉर्डिंग अपन उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे तब भी क्या रहेगा, रिक्वायरमेंट रहेगा. तो स्टूडेंट, जो प्रीवियस क्लास हुई थी वो आगे की क्लास का अपन बेस बोल सकते हैं उसको. तो उसमें प्रीवियस क्लास में जो डिस्कस किया उस पर अपन ज़्यादा तो नहीं जाएंगे, बट एक जो क्वेश्चन अराइज होता है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसका जो सॉल्यूशन है वो जो हमने कल पढ़ा था और जो आज पढ़ेंगे उससे अपन कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं आज आपको एक डायग्राम बताता हूँ. स्टूडेंट देखिए, स्टूडेंट ये डायग्राम आपको हेल्प करेगा किस चीज़ के लिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा क्या ये ज़रूरी है, यूनिवर्सिटी पूछेगी क्या और आपको लिखना क्या है, तो वो जब क्लियर होगा जब आपको पता होगा कि हाँ कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, कि जो फिनोमिना है, जो कॉन्सेप्ट है क्लासिकल फिजिक्स, पहले तो बोल कहा क्या उसने और फिर वो फ्लॉप कैसे होगी, है ना. तो उसके लिए ये डायग्राम मैं बना रहा हूँ आपके लिए, तो उसको ध्यान से समझते हैं. स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले बात, एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसका नाम था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन. अच्छा, इसके बारे में जाना और इसका जो एक्सपेरिमेंटल है वो ग्राफ बनाया गया, और जो ग्राफ बनाया था लास्ट वीडियो में अपन देख चुके हैं, अभी लिख देता हूँ बस. ल्यूमियर और प्रिंग शेन इन्होंने ग्राफ बनाया 1899, जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ था उसको क्या किया, ड्रॉ किया. अब वो ग्राफ था स्टूडेंट स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लेमडा डी लेमडा तथा लेमडा के बीच, किसके बीच, लेमडा के बीच, और वो ग्राफ था समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ ऐसा ग्राफ. मैं फ्री हैंड से बना रहा हूँ स्टूडेंट, बाकी आप बुक्स में देखोगे तो आपको एक्सपेरिमेंटली ग्राफ एकदम एग्जैक्ट लिखा हुआ मिल जाएगा. ठीक है, ये ग्राफ कुछ टेम्परेचर पे बेस्ड था, जैसे टेम्परेचर की वैल्यू मान लीजिए 500, फिर 1000 केल्विन पर, किस पर, केल्विन, और फिर 1500 ऐसे. ठीक है, तो इसकी हमने जो खास बात थी ये तो हमने कल वीडियो में डिस्कस कर ली, बट देखिए कोई भी चीज़ का एक्सपेरिमेंट होता है और जो ग्राफ आता है उसकी स्टडी की जाती है. अब ये ग्राफ तो गलत हो नहीं सकता, कैसे नहीं हो सकता, कि मान लीजिए कि आप गए सुजानगढ़ और आपने देखा कि आपके गांव से सुजानगढ़ 24 किलोमीटर है, आपने उसको बाइक से क्या किया, माप लिया. ठीक है, तो आपने ग्राफ बना दिया कि हमारे गाँव से हमारा सुजानगढ़ फॉर एग्ज़ाम्पल 24 किलोमीटर है और हम ऐसे गए. अब ये किसका ग्राफ है, एक्सपेरिमेंटल, तो ये तो गलत हो नहीं सकता. अब इसका एक्सप्लेन करना है कि आपके गांव से सुजानगढ़ 24 किलोमीटर कैसे है. फॉर एग्जांपल 6 किलोमीटर की दूरी पर लाडनू आता है एग्जांपल से, फिर आगे जैसे मान लीजिए कि निम्बी या जो भी आता है. ठीक है, तो ये पार्ट्स में जोड़ के देखें तब अपन कह सकते हो कि हाँ कि आपसे गाँव से सुजानगढ़ कितना है, 24 किलोमीटर. अब ये बात सही होती है तब मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपने नियम यूज़ किए वो क्या है, सही. समझ पा रहे हो, दैट मीन्स कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो कर्व मिला हमें, इसको एक्सप्लेन दो प्रकार से किया गया. एक तो किया गया क्लासिकल फिजिक्स के आधार पर, एक तो किया गया क्लासिकल फिजिक्स के आधार पर, दूसरा जब क्लासिकल फिजिक्स कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं कर पाई, समझ रहे हो, तब आए मैक्स प्लांक और उन्होंने किया मॉडर्न फिजिक्स के आधार. ठीक है,
तो क्लासिकल फिजिक्स के आधार पर दो बंदों ने क्या किया, इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया या एक्सप्लेन किया। एक तो थे हमारे विंस, जिन्होंने दिया विंस का रेडिएशन लॉ, दैट मीन्स वीन का विकिरण नियम। आगे अपन आज इसको पढ़ेंगे। इन्होंने जो कृष्णिका विकिरण का जो ग्राफ था, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की अपने नियम से, पर ये कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दैट मीन्स कि एक इस ग्राफ का छोटा सा पार्ट क्या कर पाए, डिस्कस कर पाए। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि अपन लेमडा की कुछ रेंज ले, तो इतनी छोटी रेंज में क्या कर पाए, एक्सप्लेन कर पाए, पर जो कंप्लीट ग्राफ है उसको विन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, किसके आधार पर किया विंस ने? क्लासिकल फिजिक्स के आधार पर। ये आंसर बनेगा स्टूडेंट, जो 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है उसका ये आंसर बनेगा। बट बनेगा कैसे, पहले आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉ समझाना है, उसका ग्राफ समझाना है, फिर आपको क्या करना है, विंस का नियम समझाना है, फिर विंस के बाद एक रेले जींस आए, कौन आए, रेले जींस। रेले जींस ने अपना नियम दिया, रेलेजिन, विंस का विकिरण नियम, रेलेजिन का नियम। अब ये रेलेजिन का नियम भी जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो कर्व है या जो ग्राफ है उसको कंप्लीटली तो ये भी क्या नहीं कर पाए, इसको कंप्लीटली ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दैट मीन्स इन्होंने इस ग्राफ का लगभग आधा पार्ट क्या किया, कवर किया, कि जब जब लेमडा की वैल्यू बढ़ेगी, ई लेमडा डी लेमडा की वैल्यू बढ़ेगी, आगे पढ़ेंगे रेलेजिंस को, विंस को, अभी ये आप उसमें मत जाइए कि सर ये होंगे कैसे, है ना, ये भी पढ़ेंगे, बट जो ट्यूशन आएगा उसको अटेम्प कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। तो रेलेजिन भी कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो ट्यूशन जब 7 नंबर में आएगा तो आपको थोड़ा सा स्टूडेंट ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाना है, फिर किसको समझाना है, विंस के नियम को, मतलब एक मैं कह दूँ कि एक कंप्रेस्ड करके छोटा सा बना के, है ना, फिर किसको समझाओगे, रेलेजिन को, नियम को समझाओगे, और लास्ट में लिखोगे कि क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ कम्प्लीटली नहीं समझ पा पाई, इसलिए क्लासिकल फिजिक्स क्या हो गई, फ्लॉप हो गई, इसलिए क्लासिकल फिजिक्स क्या हो गई, फ्लॉप हो गई। तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, अटेम्प्ट हो जाएगा। फिर कौन आए, फिर आए मैक्स प्लांक, कौन आए, मैक्स प्लांक। इन्होंने सबसे पहले अपना एक साहसिक और ऐतिहासिक विचार प्रस्तुत किया, वो आगे की बात है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी अपन कंफ्यूज नहीं होंगे। बट जो वीडियो बनाने का सेंस है, जो आज का वीडियो बन रहा है, वो प्रीवियस ईयर में आया हुआ एक बड़ा क्वेश्चन है उस पर बेस्ड है कि क्लासिकल फिजिक्स क्यों फ्लॉप होगी, अर्थात चिर संबंत भौतिकी की असफलता को बताइए। मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ, यदि आप प्रीवियस ईयर के देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि चिर संबंत भौतिकी, जिसको अपन क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, कि असफलताओं का वर्णन करो, असफलताओं का वर्णन करो। तो पहली तो असफलता कौन सी हुई स्टूडेंट, पहली हुई ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कर्व को डिस्क्राइब नहीं कर पाना, या उसको उसका प्रूफ नहीं दे पाना थ्योरिटिकली कि ऐसा हुआ। फिर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आए, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा कि कुछ डेली आवृत्ति वगैरह कुछ टॉपिक, वो भी नहीं समझा पाया, क्लासिकल फिजिक्स से अपन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसके बाद क्वांटम इफेक्ट आया, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए हम क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा। ठीक है, तो ये जुड़ते 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 चले जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप कितना भी मैं कहूँ तो आप लिख सकते हो, जब अपन आगे के वीडियोज़ आएंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि इसको अपन तो कैसे भी लिख सकते हैं, बट आपका क्वेश्चन गलत ना हो। इसलिए सबसे पहला बेस क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसके कर्व को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब क्यों नहीं कर पाए, इसका सबसे पहले अपन किसने स्टडी किया, विंस ने, तो अपन पढ़ेंगे विंस का रेडिएशन लॉ, बट अगेन बता रहा हूँ किसके आधार पर, क्लासिकल फिजिक्स के आधार पर। और उसके बाद फर्दर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो रेलेजिन्स पे होगा, रेलेजिन के लिए अपन सेपरेट दो वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है। हाँ, एग्जाम में पूछा जाता है, सीधे पूछ सकता है कि रेलेजिन का नियम बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर रेलेजिन का नियम अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट अभी
अपन करेंगे वीन का विकिरण नियम। बहुत छोटा सा नियम है स्टूडेंट, बहुत ही मतलब मैं कह दूं कि डेढ़ नंबर में यदि अलग से कभी पूछा जा सकता है, इतना कुछ इसमें है नहीं। तो इसको अपन फिनिश करते हैं, उसके बाद जो रेलेजिन का है वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपन वीन्स रेडिएशन। लो, वीन का विकिरण नियम, वीन का आप हेडिंग भी डाल सकते हो। ये सारे जो मैं पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट, सारे वीडियो एग्ज़ाम में याद आए हुए क्वेश्चन पे ही बेस्ट है। कोई भी ऐसा लेक्चर नहीं होगा जो आपको ऐसे लगे कि हाँ सर ये एग्ज़ाम से रिलेट नहीं करता, तो आप साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। तो वीन का विकिरण नियम, तो देखिए वीन ने क्या किया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो ग्राफ था उसको एक्सप्लेन करने के लिए ऊष्मा गतिकी को क्या बनाया, आधार बनाया। दैट मीन्स वीन का विकिरण नियम किस पे आधारित है, थर्मोडायनेमिक्स पे, थर्मोडायनेमिक्स पे। दैट मीन्स वीन ने किसको आधार बनाया, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स को आधार मानते हुए वीन्स ने कहा कि किसी तरंग दैर्ध्य परास, मतलब एक वेवलेंथ की रेंज पर तरंग दैर्ध्य परास लेमडा से लेमडा प्लस डी लेमडा के बीच स्पेक्ट्रम ही उत्सर्जन क्षमता का मान, स्पेक्ट्रम ही उत्सर्जन क्षमता का मान निम्न प्रकार से परिभाषित है। आप थ्योरी में क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि वीन के विकिरण नियम, उसमें वीन का विकिरण नियम उसमें आप लिखोगे कि वीन ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो कर्व था उसको एक्सप्लेन करने के लिए ऊष्मा गतिकी को आधार बनाया, तथा वीन्स ने कहा कि किसी तरंग दैर्ध्य परास लेमडा से लेमडा प्लस डी लेमडा के बीच स्पेक्ट्रम ही उत्सर्जन क्षमता का मान निम्न प्रकार से क्या होता है, परिभाषित होता है, जिसमें वैल्यू होगी ई लेमडा डी लेमडा। अब ये क्या है स्टूडेंट, स्पेक्ट्रम ही उत्सर्जन क्षमता, इसका मान कितना होता है, ए अपॉन लेमडा की पावर 5 फंक्शन ऑफ लेमडा टी, और मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट डी लेमडा, मल्टीप्लाई किससे होगा, डी लेमडा से, वेयर फंक्शन ऑफ लेमडा टी इज नथिंग बट जो फंक्शन आएगा वो आएगा e की पावर माइनस ए अपॉन लेमडा टी, e की पावर माइनस ए अपॉन लेमडा टी। दैट मीन्स ये वैल्यू अपन वापस यहाँ पे पुट करेंगे तो जो वीन्स का विकिरण नियम है वो समथिंग लाइक दैट, इस हिसाब से हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, ए अपॉन लेमडा की पावर 5 e की पावर माइनस ए अपॉन लेमडा टी डी लेमडा, ये लीजिए, ये कहलाता है वीन्स रेडिएशन लो, वीन्स रेडिएशन लॉ। अब स्टूडेंट आपके मन में ये आ सकता है कि सर जो इन्होंने फंक्शन ऑफ लेमडा टी बनाया वो किसके आधार पर बनाया, तो इन्होंने मेनली दो आधार रखे, एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कर्व और एक मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को क्या रखा, ध्यान में रखा, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए, दैट मीन्स क्लासिकल फिजिक्स को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या दिया, अपना नियम दिया। बट स्टिल ये जो नियम है ये केवल लघु तरंग दैर्ध्य परास के लिए ही एप्लीकेबल है। यदि अपन कंप्लीट एक्सप्लेन करना चाहे, दैट मीन्स यदि मैं लेमडा की पूरी वैल्यू ले लूं तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कोई लघु तरंग दैर्ध्य परास। दैट मीन्स चाहे आप इतनी सी ले लीजिए या आप थोड़ी सी परास ये ले लीजिए, मतलब एक रेंज है वो छोटी होनी चाहिए, कंप्लीट रेंज नहीं ले सकते। दैट मीन्स लेमडा से लेमडा प्लस डी लेमडा आपने कंप्लीट इसको ले लिया तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है, लेमडा किस में आ रहा है, अपॉन में आ रहा है, ऊपर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो जैसे जैसे लेमडा की वैल्यू बढ़ेगी ई लेमडा डी लेमडा की वैल्यू कम होगी, दैट मीन्स कर रहा है, ठीक है, बट थोड़े से रेंज के लिए करता है, कंप्लीट के लिए एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये था वीन का विकिरण नियम, ठीक है। अच्छा, वीन के नियम से आप विस्थापन नियम से भी इसको क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, कैसे, कि लेमडा की पावर 5 अपन जानते हैं, कल ही पढ़ा था हमने कि लेमडा प्रोपोर्शनल होता है 1/T के, तो लेमडा नीचे जाएगा तो टी ऊपर आ जाएगा, तो 1/λ, दैट मीन्स यहाँ पे टी की पावर कितनी हो जाएगी,
5 हो जाएगी। ये सिंपल है, इसमें अपन नहीं जाएंगे। हाँ, कई बार ये एग्जाम में पूछ लेता है ये, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा वीन्स रेडिएशन लॉ, और साथ साथ ये भी जाना कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। स्टूडेंट पढ़ना, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और लिखना, ये चीज़ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी में आपको बस एक सेपरेट पढ़ाई करनी रहती है कि हाँ अपन को ये टॉपिक पढ़ने हैं, ताकि हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन क्या हो, अटेम्प्ट हो। तो स्टूडेंट ये पूरा का पूरा आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन पे ही क्या रहेगा, बेस्ट है, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।